हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल ऑल ऑफ फाइन। आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 का। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, गिनती 1 से 20। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 से 20 गिनती। अभ्यास 1, शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। गिनती के गीत का गान बच्चों का सामूहिक गान है। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमको ये कविता गानी है और इसमें से गिनती सीखनी है। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमको कब समझना है, देखो ये है 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमको ये पूरी कविता में नंबर्स दिए गए हैं, संख्याएं दी गई है, वो हमको पढ़नी है और उसके आधार से ही हमको गीत गाना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो 1 2 3 4 फिर कहते हैं चलो गिरनार चलें। 5 6 7 8 फिर कहते हैं सागर तट पर है सोमनाथ। 9 10 11 12 तो कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचरमा का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमको ये कविता पढ़ने की और गाने की। चलो हम समूह में गाएंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमने समूह में गाया। फिर आगे देखिए अभ्यास 2, अंकों का उल्लेखन कीजिए। देखो अंकों का उल्लेखन करना इधर हमको दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गुजराती में दिया गया है और इधर देखो हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह देखो हमको इधर दिया गया है घोटने के लिए भी और इधर भी हमको नंबर से ही लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें हमको ऐसे हिंदी में ही नंबर लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमको लिखना है। इसमें भी फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमको देखो लिखना है। फिर देखिए लास्ट में भी बॉक्स है, इसमें भी आपको ऐसे ही 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखने हैं। ओके, ये लास्ट वाला बॉक्स में दे रही हूँ आपको होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये होमवर्क में करना है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में अभ्यास 3, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है, चित्र में मनपसंद रंग भरिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमको इसमें नंबर्स के साथ जोड़ते जाना है। देखो जैसे ये 1 है, 1 को हमने 2 के साथ जोड़ा, 2 को हमने 3 के साथ जोड़ा, 3 को हमने 4 के साथ जोड़ा, 4 को 5 के साथ और 5 को इधर से 6 के साथ जोड़ा, फिर 6 को 7 के साथ जोड़ा, 7 को 8 के साथ, 8 को 9, 9 को 10, 10 को 11 और 11 को 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस तरह बन गया ये पूरा चित्र। किसका चित्र बना स्टूडेंट्स, आप बताओ।
ये आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क में। ये देखो, इस चित्र को आपको इस तरह बनाना है और इसमें कलर भरना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके देखो, इसको हमने बीस को फिर यहाँ से जोड़ दिया। ये बन गया हमारा चित्र, चूहे का चित्र। ये क्या बन गया हमारे पास? चूहे का चित्र। चूहे हमने बनाया और इसमें फिर हमको कलर भर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें कलर कर लीजिएगा। फिर देखिए अभ्यास चार, पढ़िए और समझिए और बोलिए। फिर देखो, इधर हमको पढ़ना है, समझना है और बोलना है। इधर हमको अंकों में गिनती दी गई है और इधर शब्दों में गिनती दी गई है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, दस दस, ग्यारह ग्यारह, बारह बारह, तेरह तेरह, चौदह चौदह, पंद्रह पंद्रह, सोलह सोलह, सत्रह सत्रह, अठारह अठारह, उन्नीस उन्नीस, बीस बीस। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस तरह हमने नंबर लिखे हैं। तो उसमें हमको देखना है, फिर अभ्यास पाँच में गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन में कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो इधर हमने पढ़ लिया है और याद कर लिया है, एक दो तीन ऐसे करके। तो इसी तरह आपको इधर देख कर लिखना है। जैसे एक लिखा है तो एक लिखा, एक है तो इधर एक, दो 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 दो, जैसे तीन है तो यहाँ पे फिर हमको लिखना है तीन। इसी तरह आपको पूरा एक से लेकर बीस तक लिखना है, यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, देखो पूरा एक से लेकर बीस तक आपको यहाँ तक लिखना है। ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये होमवर्क में करना है एक से बीस तक। फिर देखिए नेक्स्ट पेज। ओके, फिर देखिए अभ्यास छः, गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। ओके, देखो हमको रेखा को काटे बिना हमको गिनती बोलती जानी है और इसमें बनाते जाना है। इसमें भी एक चित्र आएगा, बनेगा, चलो हम बनाएंगे। इसमें भी एक से स्टार्ट करेंगे, एक दो कहाँ है, दो 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 दो, ये रहा, एक दो तीन, इस तरह हमको जोड़ना है। ओके, एक दो तीन, मैंने आपको तीन जोड़ कर दिखा दिए हैं। इसी तरह आपको एक दो तीन चार पाँच, इस तरह जोड़ते जाना, जैसे हमने पहले चित्र बनाया था चूहे का। इसी तरह आपको अभी इसमें भी लाइनों से चित्र बनाना है और उसमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। उसमें देखिए, फिर अब हम आगे पढ़ेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखिए प्रश्न नंबर एक, गिनती के सही शब्दों के अंकों के सामने लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो इधर हमको शब्द ऊपर नीचे दिए गए हैं और गिनती दी गई है। इधर हमको जो अंक लिखे हैं उसके हमको सही अक्षर, इधर सही शब्द लिखने हैं। ओके, चलो हम स्टार्ट करेंगे, दो दो, तीन तीन, पाँच पाँच, छ छ, नौ नौ, सत्रह सत्रह, अठारह अठारह, उन्नीस उन्नीस। ओके, देखो हमने इतना कंप्लीट कर लिया। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में, फिर देखिए प्रश्न नंबर दो। और इसमें हम प्रश्न नंबर दो देखेंगे, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें हमको रिक्त स्थान दिए गए हैं, मतलब खाली जगह दी गई है, वो हमको इसमें भरना है। ओके, सो हम भरेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ओके, देखो हमने बीस तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर देखिए प्रश्न नंबर तीन, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से पूर्ण कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर एक से बीस तक संख्या में कंप्लीट की थी, अंक में कंप्लीट की थी, अब हमको वो शब्दों में लिखनी है। तो हम लिखेंगे शब्दों में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ
नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कम्प्लीटली पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। और ये देखो, ये है गेम हार्ट का खेल, ये आपको खुद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, यह आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। आज आपको होमवर्क में अपनी वर्कबुक में पार्ट 3 कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 16 तक, और नोटबुक्स में भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।